हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम सिंह चैनल और मैं हूँ नीलम। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये ट्रेडिशनल मेकअप लुक, जो बहुत ही लाइट साड़ी पे मैंने मेकअप किया है। तो लाइट साड़ी अगर हम पहनते हैं, हमें पसंद है कि लाइट साड़ी पे ही आज मेकअप हम करें, तो उसमें हम किस तरह का ज्वेलरी का कनेक्शन कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊँगी, और किस तरह लाइट मेकअप करके भी हम बहुत यूनिक और बहुत ऑसम लुक दे सकते हैं, ये मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं मेकअप करना। सबसे पहले हम अपने फेस को मॉइस्चराइज करेंगे, और मॉइस्चराइजर के लिए मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ हमेशा, क्योंकि मेकअप करने से पहले फेस को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी होता है। तो चलिए इसके बाद हम अप्लाई करेंगे जो नेक्स्ट मेरा इंग्रेडिएंट्स है, प्रोडक्ट है, वो है प्राइमर। अगर आप चाहती हैं कि मेकअप लॉन्ग लास्टिंग चले, तो उसके लिए प्राइमर अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इन सभी प्रोडक्ट के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर देना कि मैंने किस ब्रांड का यूज़ किया है, सारे जितने भी मैंने प्रोडक्ट यूज़ किया है वो। अब यहां पे मैंने यूज़ किया है ये मैबलिन का फिट मी, जो हमारा फाउंडेशन होता है वो, क्योंकि ये हमारे फेस को एक अच्छा कवरेज देता है और ये बहुत ही अच्छा होता है। तो ये मैंने यूज़ किया अपने फेस पे। एक आपको बात बता दूं कि अपने फेस पे इसको अप्लाई करने से पहले इस तरह डॉट डॉट करके ही अप्लाई करें, इससे आपके फेस पे ये अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएगा। नेक और ईयर को आप इग्नोर बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये फेस और नेक का कलर अलग दिखने लगेगा। तो इस तरह मैंने ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से अच्छी तरह इनको ब्लेंड कर लिया है, ये देखिए। अब इस पर हम जो हमारा अप्लाई करेंगे ये कंटूरिंग, तो इसको मैं फोरहेड वाले एरिया पे, चीक और चिन, इन सभी के जगह इस शेप में हम करके अप्लाई करेंगे, क्योंकि इसको जब हम ब्लेंड करते हैं तो इससे जो हमारा शेप होता है वो अच्छा आता है। इस तरह नोज़ वाले एरिया को इस तरह अप्लाई करेंगे हम। उसके बाद यहाँ मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी, जिससे कि इसका एक फिनिशिंग लुक आए हमारे फेस पे, और जहाँ जहाँ डार्क सर्कल है वहाँ पे भी हम इसको एक बार अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से हम इसको अच्छी तरह ब्लेंड कर लेंगे इस तरह। उसके बाद कंसीलर से मैं अपने आईलिड वाले एरिया को थोड़ा सा कंसील करूँगी, जिससे कि जो आई मेकअप हो वो ईजिली हो सके, आसानी से हो सके, ये देखिए। मैंने उंगलियों के हेल्प से इसको ब्लेंड किया है। उसके बाद कम्पैक्ट पाउडर से एक बार अपने पूरे जो फेस है उसको एक बार सेट करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने आईब्रो को फिल करने के लिए मैं यहाँ पे ये ग्रे कलर का शेड ली हूँ, क्योंकि मेरा जो आईब्रो है वो डीप कलर का नहीं है, तो लाइट ब्राउन आईब्रो है मेरा, तो इसलिए मैं ग्रे कलर से अपने आईब्रो को फिल करूँगी इस तरह। ये देखिए, दोनों आईब्रो को मैंने अच्छी तरह फिल कर लिया, क्योंकि आईब्रो हमारे जो फेस है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उसके बाद हम अपने जो मेरा आई मेकअप है उसको स्टार्ट करूँगी। उसके लिए मैंने पिंक आई पैलेट लिया है, क्योंकि साड़ी मेरी पिंक है, तो इसलिए मैं बहुत लाइट आई मेकअप करूँगी, बहुत डार्क आई मेकअप नहीं करूँगी। इस तरह मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है अपने आईज़, जो मेरा आईलिड एरिया है उसको पिंक कलर से। अब यहाँ पे मैं कॉर्नर में थोड़ा सा ब्लैक सेट दूंगी, यहाँ पे बिल्कुल लाइट मैंने स्मोकिंग आई देने की कोशिश की है, बिल्कुल लाइट मेकअप मैंने किया है इसका, तो यहाँ कॉर्नर में मैं थोड़ा सा ब्लैक सेट दूँगी इस तरह, और इसके ऊपर से मैं बिल्कुल डीप कलर का ब्लैक शेड अप्लाई करूँगी। मैं ये नहीं कह रही कि मैं बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट हूँ, बट मैंने कोशिश किया है कि एक मैं अच्छा सा लुक आपको दिखाऊं, जिससे कि जो बिगनर हैं जिनको मेकअप करना नहीं आता तो वो इजीली कर सके, उसको अच्छी तरह इस तरह ब्लेंड कर लें इस तरह। अगर कॉर्नर में लाइट और डार्क शेड रहेगा तो इसका कॉम्बिनेशन साड़ी पे बहुत अच्छा लुक आएगा। आप देख सकती है आईज़ का मेकअप कितना अच्छा, कितना यूनिक लग रहा है, क्योंकि ब्लेंडिंग सबसे मोस्ट होता है इसमें, ब्लेंड करना सबसे इम्पोर्टेंस होता है, इसलिए आप अच्छी तरह इसको जो हमारा आई मेकअप होता है अच्छी तरह करें। उसके बाद मैं यहाँ पर आई लाइनर ड्रॉ करूँगी। आई लाइनर मैंने बहुत थिन ड्रॉ किया, बहुत थिक नहीं किया, बहुत थिन भी नहीं किया, बस नॉर्मल सा मैंने एक लाइन बनाई है इस तरह, और मैंने एक छोटा सा बिग लाइन दिया है, बहुत स्मॉल सा, बहुत टॉल नहीं मैंने बनाया है, ये देखिए।
उसके बाद मैं काजल अप्लाई करूँगी। पहले मैं वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा सा थिक अप्लाई करने के लिए लोअर लाइन पर भी लगाऊँगी, क्योंकि जो मेरा काजल है वो मुझे हमेशा थिक काजल ही पसंद है। अगर आपको लाइट काजल पसंद है तो वो आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप लाइट कलर का साड़ी पहन रही हैं और जिस कलर का मैंने साड़ी पहना है उस पर थोड़ा आईज़ का मेकअप, थोड़ा सा काजल डार्क हो तो आपका जो आई लुक आएगा वो बहुत ऑसम आएगा। आप देख सकती हैं इस तरह। उसके बाद मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगी ये जो मैंने आई पैलेट यूज़ किया था उसको ही, और इसको ब्लश के लिए यूज़ करूँगी। और ब्लश लगाने का सबसे सिंपल तरीका है कि आप ब्लश लगाते समय सिर्फ स्माइल कर लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ब्लश हमें कहाँ लगाना है। तो इस तरह मैंने ब्लश अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी और इसको अच्छी तरह अपने आईज़ वाले प्लकर पर इसको लगा लूँगी इस तरह। ये बहुत ही अच्छा है और ये हमारे आँखों में अच्छी तरह लग भी जाता है। और मेरा वैसे जो मेरा प्लक है वो बहुत ही अच्छा है, काफ़ी लंबा है, फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्लकर लगाऊंगी। ये मैंने लिया है हाइलाइटर, थोड़ा सा मैं अपने चीक, चीन, नोज़, लिप्स, इन सारे एरिया को एक बार हाईलाइट करूँगी अच्छी तरह, क्योंकि जब तक हाईलाइटर नहीं लगाया फेस में फिर मेकअप तो बिल्कुल। इसके लिए मैं हाईलाइट करूँगी अपने चीक वाले एरिया को इस तरह। ये हाइलाइटर बहुत अच्छा है, ये किस ब्रांड का है, कौन सा हाइलाइटर है, मैं ज़रूर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना, क्योंकि ये इतना शाइन, इतना ग्लो करता है आपके चीक को, आपके नोज़ को। ये देखिए कितना ऑसम लुक लग रहा है इसका, ये देखिए। अब यहाँ पे मैं प्लकर एक बार लगाऊंगी, क्योंकि मैंने लाइट मेकअप किया है ताकि आईज़ का मेकअप अगर थोड़ा सा अच्छा रहता है तो पूरा मेकअप जो होता है वो फुल लगता है, अच्छा लगता है। ये देखिए अब मेरा जो लास्ट मेकअप है वो है लिपस्टिक। तो एक बार मैं लिपस्टिक लगाने के लिए मैं सबसे पहले लिप लाइनर लगाऊंगी, क्योंकि आउटलाइन मैं जोर देती हूँ, मुझे बिना आउटलाइन दिए मैं लिपस्टिक नहीं लगाती। तो इस तरह मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, और ये लाइनिंग अगर आप लिप में देती हैं इतनी लाइनिंग तो इसे आपकी लिपस्टिक जो है परफेक्ट लगती है। उसके बाद मैंने पिंक शेड लिया है लिपस्टिक के लिए, क्योंकि लाइट कलर की साड़ी है तो जो लिपस्टिक का शेड होगा वो थोड़ा सा पिंक होगा, तो यूनिक लुक आपके फेस से जो आएगा वो यूनिक आएगा। तो मैंने पिंक शेड दिया है। अब यहाँ पे मैं बिंदी के लिए मैंने लाइनर जेल जो है वो यूज़ किया है, एक छोटा सा बिंदी मैं बना लूँगी क्योंकि ब्लैक बिंदी मेरे पास नहीं है। ये मेरा मेकअप लुक अब है बिल्कुल रेडी। आप देख सकती हैं कितना यूनिक, कितना ऑसम लुक लग रहा है, और इसमें मैंने जिस टाइप के ज्वेलरी का कनेक्शन किया है वो कितना बेस्ट है और कितना जच रहा है सारे ज्वेलरी। लाइट और डीप कलर की लिपस्टिक मैंने लाइट कलर की साड़ी पे लगाई है। तो चलिए आपको मेरा ये मेकअप लुक कैसा लगा ज़रूर कॉमेंट करके आप मुझे बताइएगा प्लीज़। वीडियो अच्छी लगी होगी तो इसको लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।